सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और इस वक्त जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं ये बागेश्वर में व्यापार संघ के चुनाव चल रहे हैं और जहां जो है आज जो है वोटिंग चल रही है और पूरे बागेश्वर के व्यापारी जो हैं अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव तथा जितने पदाधिकारी हैं उनका चुनाव चल रहा है, जिसमें कोषाध्यक्ष जो हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं और उपाध्यक्षा वो भी निर्विरोध हैं। तो बहुत हलचल है और जितने यहाँ प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कन बढ़ते जा रही है। उनके सपोर्टर जो हैं वो जोश खरोश में उनका स्वागत कर रहे हैं और हर कोई जो है अपने अपने व्यापारी बंधुओं को रिझाना चाहता है और कहना चाहता है कि मैं जो हूँ बहुत सक्षम हूँ। और जी जी आ रहे हैं ना। तो मैं जो हूँ सबको रिझाना चाहता हूँ, मतलब मैं जो हूँ मैं अगर अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं व्यापारियों की हितों की रक्षा करूँगा, इस उद्देश्य से हर कोई यहाँ उठा हुआ है और बहुत शांतिपूर्ण और बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब मित्रता से ये चुनाव चल रहा है और थोड़ा सा इसमें अध्यक्ष पद की मैं अगर बात करूँ तो उसमें जो है या चार कैंडिडेट हैं और जिसको मैं आपको क्रम पूर्वक दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्या चल रहा है और अंदर का भी जरूर नज़ारा दिखाऊंगा जहाँ जो है चुनाव कमेटी जो है अपना लगातार सहयोग दे रही है और हर किसी की एक कोशिश है और बहुत लंबा जाम लग गया क्योंकि ये जो नज़ारा है ये ताकुला रोड का है और यहाँ से आप अगर आप बागेश्वर आए हैं तो आपने देखा होगा कि ताकुला को रास्ता जो जाता है टैक्सी स्टैंड से वहाँ से आगे को नज़ारा रहता है। तो अध्यक्ष पद के लिए मैं जो जो लोग अध्यक्ष पद में उठे हैं मैं उनको दिखाना उनको बताना चाह रहा हूँ। मतलब अध्यक्ष में हैं कवि जोशी जी हैं, दयाल पांडे हैं, राजेंद्र उपाध्याय जी हैं और दीपक जोशी हैं तथा देवेंद्र अधिकारी जी। तो ये जो चुनाव लड़ने वाले हैं और जिसमें एक और नॉमिनेशन हुआ था जी एक मिनट मैं जरा ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। माहौल बड़ा ज़ोरदार हो रहा है और हर कोई जो है क्या बात है, ये लोकेशन ऐसी मिली है कि जहाँ से जो है ना सबको और ये देखिए एक एक बंदे को ऐसे रिझाया जा रहा है तो मतलब एक माहौल। और इस बार का जो चुनाव है ना मतलब इतना जोश गर्मी वाला चुनाव है कि इसमें सारे युवा हैं तो जिस कारण और अब जो है उपाध्यक्ष के लिए है राजेंद्र लाल शाह जी, हेमचंद जोशी जी, जगदीश चंद पाठक जी तथा गिरीश बिष्टी जी, तो ये हैं उपाध्यक्ष के लिए। और महिला उपाध्यक्ष तो पहले ही जो है वो निर्विरोध चुन ली गई है और सचिव पद हेतु राजेंद्र सिंह जी हैं, भूपेंद्र बबलू जोशी जी हैं और राजेंद्र ओली जी हैं, पुष्कर किरमोलिया जी हैं। तो ये बड़ा फाइट वाला मुकाबला है और सचिव वाला जिसमें हमारे बबलू जोशी जी, पुष्कर भाई तो ये उठे हुए हैं। तो देखते हैं यार व्यापारियों एकता जिंदाबाद और हर कोई व्यापारी एकता की यहाँ नारे लगा रहा और ये दयाल पांडे कवि जोशी जी दो अध्यक्ष तो आपको यहाँ पर दिखाई दे दिए हैं। एक है सूरज जोशी जी ये जो हाथ मिला रहे हैं ये हैं और एक है राजेंद्र उपाध्याय जी ये एक दो तीन चार एक है देवेन अधिकारी जी। तो देवेन अधिकारी जी यहाँ पर दिख नहीं रहे वो शायद अपने मित्रों को मतलब बातचीत करने के लिए गए हुए हैं। तो ये चार कैंडिडेट तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये एक चुनावी माहौल मतलब ऐसा माहौल यार मतलब मैंने ऐसा। और ये हैं भूपेंद्र बबलू जोशी जी और इनके ये देखो हेलो पुष्कर हेलो पुष्कर बबलू हाथ मिला लो यार एक बार। ए बबलू दो कैंडिडेट दोनों जो है सचिव पद हेतु भाई यही बात है ये दोनों
सचिव पद में हैं और दोनों योग्य हैं, और देवेन अधिकारी जिनका मैं जिक्र कर रहा था वो ये हैं अध्यक्ष पद के लिए। तो मतलब माहौल ऐसा हो गया ना, मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्या हो रहा है करके। यही बागेश्वर है, यहाँ हर चीज़ जो है बड़े जोरदार ढंग से होती है। मैं पहले भी कहता मेरी कोशिश है कि बागेश्वर में होने वाले। बिल्कुल कवि भैया, यह है राहुल भैया, हाय विक्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए पाठक जी दयालदा। तो भैया सभी को शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल लाइव चल रहा है, लाइव अभी लाइव अपडेट है। आप दादा प्रणाम, आशीर्वाद रखो सबके ऊपर। तो एक चीज तो है, जो मतदाता है चाहे किसी भी हो, चाहे राजनीति पार्टी में चाहे किसी चीज में, तो मतदाता जो है ना वो मन बना के आता है। वो पहले ही मन बना लेता है कि मैंने जो है किसको वोट देना है। तो मामुआ, सर क्या बात है यार, पूरे सपोर्टर से लेके पूरा दीपू भैया। नजारा देखो यार, ये है। बिल्कुल सभी कैंडिडेटों को शुभकामनाएं दीजिए, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो व्यापारियों के हितों के लिए खड़ा रहे। तो अब मैं अंदर का आपको नजारा दिखाता हूँ कि अंदर क्या माहौल चल रहा है। भैया सभी को शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताओ, आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी सभी को शुभकामनाएं। क्या बात है यार, होली जी ये तो कॉलेज वाली याद आ गई यार। सचिव पद हेतु राहुल शाह। क्या बात है, सचिव पद हेतु राजीव ओली। राहुल शाह, राहुल शाह, राहुल चलिए प्रणाम भाई लोग, आप सभी को शुभकामनाएं। तो यहाँ जो है मैं व्यापार संघ का वो हूँ, मेरी पर्ची सीरियल नंबर लाओ, 761 है, 761 है। तो ये है अंदर का माहौल। यहाँ पर जो है जो वोटर हमारे जो भाई लोग यहाँ हैं, वो वोटर अगर यहाँ आएंगे तो उनका वोटिंग यहाँ जो कार्ड है वो यहाँ बने होंगे। और दरअसल क्या रहा, चुनाव एकदम होने के कारण क्या रहा कि कार्ड जो है नहीं बन पाए और नहीं बट पाए। लेकिन ये है कि अभी जो है यहाँ पर कार्ड की व्यवस्था इन्होंने अलग से एक काउंटर लगा रखा, और 3 चरणों में ये बांटा गया है। तो वहाँ पर से डिसाइड हो जाएगा कि आपका जो है कहाँ पर आपका वोटिंग है। तो यहाँ अगर बबलूदार लोग या कोई मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि कैसा कैसा माहौल चल रहा है। तो डब्बूदा अंदर हैं पर्यवेक्षक में। घंटे में 170 वोट करनी पड़ी है, तो पूरे 2 घंटे की वोटिंग 350 आपने यहाँ पर वोट किया, 350 वोट आपने वोट दिया। 2 घंटे में, 2 घंटे में यहाँ पर 350 वोट करने पड़े हैं, यहाँ पर 350 वोट करने पड़े हैं। क्या बात, तो 2 घंटे में 350। क्या बात है, और बाहर इतना फूल है ना, मतलब समय ही नहीं मिल पा रहे थे अंदर को आने। बहुत बेहतरीन, 350 वोट, ये भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो है जितने चुनाव लड़ रहे हैं उनके एक एक प्रतिनिधि हैं। भाई लोग ठीक हो रहा, आ रहा हूँ इधर ही आ रहा हूँ।
व्यापारी एकता जिंदाबाद। सोनूदा बधाई एडवांस में, तुम्हें तो एडवांस बधाई होगी याद था। बिल्कुल जगरियाल जी आ गए हैं सर, नमस्कार, कैसा चल रहा है सर इधर? बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ पहली बार जी। तो व्यापार मंडल का चुनाव हो रहा है, लोग व्यापारी बंधु लोग जी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपका पुलिस बल पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस तो हमारा काम ही है, हमारा काम है सपोर्ट करना, शांति का। यहाँ पर कोई भी जो है व्यापारी बंधु लड़े ना, लेकिन ये एक घर के लोग हैं, इसलिए आज का आज है। लेकिन ये उत्साह देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा शांतिपूर्ण से चुनाव हो रहा है। क्या बात है। देखिए नगरियाल जी ने कहा तो ये हमेशा तत्पर रहते हैं दुर्गा पूजा, और अभी जो कृष्ण जन्माष्टमी थी तो वहाँ जो है खुद ये भजन गाने के लिए पहुँच गए। नमस्कार। तो यही बात है, पुलिस बल यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे जो है वहाँ पर भी बैठे हैं शांति व्यवस्था बनाने के लिए। तो माहौल है, गर्मा गर्मी है, वोटिंग का है और एक एक करके यहाँ के जितने वह हैं पदाधिकारी तो शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव का ये है। इंदा तो महिला मुक्ति मोर्चा पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर यस दादा प्रणाम, कैसा हो रहा? बढ़िया हो रहा है। ये संतोष दा बंद होता, ऐसा लग रहा कॉलेज क्या चल रहा है, जो महिलाएं गजब माहौल में है। यही बात है। तो ये देखो क्या बात है भैया, ये है बागेश्वर व्यापार संघ। ये देखो हमारे योगेश भाई यहाँ बैठे हुए हैं, गजब। तो एक दो तीन काउंटर बने हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ व्यापारी परेशान होगा, तीन काउंटर बने हुए हैं। और ये जो है मंगल पॉइंट, ये जो है नया वेडिंग पॉइंट है और आपने देखा ही है। तो यहाँ पर सभी मित्र हैं, क्या बात है यार। ललदा ये देखिए सारे मित्र लोग हैं और इनके जो हैं एक एक कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो माहौल जोरदार है। दादा ठीक है जी, ठीक हो रहो। और उमेश दा जो है लगातार कमेंट्री करते हुए बताते हुए कि कितनी वोट हो गई, कितना क्या है। तो यार ये लाइव कैसा लिखा लगा जरूर लिखना। ये व्यापार संघ के चुनाव चल रहे हैं और ये चुनाव चुनाव नहीं, मतलब एक ऐसा माहौल है कि जैसे घर के सदस्य हैं। श्वेता सभी व्यापारी बंधु और बड़े स्नेह प्रेम से सुनीला राजदा ठीक रहो। ये दो बजे तक होगी ना वोटिंग? दो बजे तक। तो दो बजे तक पहुंच जाना है, जिसके लिए हमें अपना एक कार्ड लाना है। कार्ड जो होगा आपका जो बना है कार्ड वो होगा, और अगर कार्ड नहीं होगा तो आपको लाना होगा ये क्या बोलते हैं आधा ये जिस जो आपकी पर्ची काटी होगी, एक पर्ची हमने सदस्यता शुल्क पर्ची काटी थी वो पर्ची ले आइएगा। और मैं फिर चलूँ रोड में, विशालदा मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है दादा, हाँ ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
कौन बधाइया तो बबलू दा आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। तो हमारे सामने बबलू दा है। बबलू दा कैसा चल रहा है और कितने बजे से चल रहा है? ये सुबह 8 बजे से मतदान चल रहा है और 2 बजे तक हमारा मतदान रहेगा। 2 बजे के बाद आधे घंटे का ब्रेक, उसके बाद हमारी मतगणना आज ही होगी और आज ही प्रत्याशी घोषित कर दिया।